ये स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं, फटाफट। बताओ बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए। यस फास्ट टेल मी। This is one electrode, this is the other electrode, and this is being connected with this circuit. ये अपन ने कल देखा था। फिर हमने ये भी बात की थी कि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से निकला, घूम के सर्किट में दूसरे इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को एंटर कर जाता है। ये बात हमने पिछली क्लास में करी थी। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर क्या है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव गया क्या? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहां से जनरेट हुआ, फिर ये ऐसे गया ऊपर, घूमा, घूम के वापस पूरा नीचे, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में घूम के वापस इधर। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन अ क्लोज लूप। इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोज लूप में मूव कर रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, पूरे सर्किट के अंदर क्लोज लूप में घूम रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल नहीं होता, जैसे आप 10th क्लास में याद करते हो। 10th क्लास में क्या पढ़ा है? टीचर्स बोलते हैं, सर नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जाता है डायरेक्शन वाइज, डायरेक्शन उसकी नेगेटिव टू पॉजिटिव है। लेकिन अगर देखा जाए तो इनसाइड द सेल कहां जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है इनसाइड द सेल। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा घूम के वापस से यहां पर एंटर करता है, तो ये फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इधर आता है। सो आपको ये याद रखना है दैट इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे के पूरे कंप्लीट साइकिल में मूव करते हैं। दे रिवॉल्व इन अ कंप्लीट साइकिल, एक क्लोज्ड लूप के अंदर। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा दैट नंबर वन पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंप्लीट साइकिल इनसाइड ए सर्किट। एक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक कंप्लीट साइकिल में मूव करते हैं, ठीक है, एक क्लोज्ड लूप में मूव करते हैं ऑलवेज। सो यहां पर लिखेंगे क्लोज्ड लूप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, हमने आज तक एक शब्द के बारे में पढ़ा है जिसको अपन कहते हैं पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल शब्द क्या होता है? पोटेंशियल शब्द है कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कितना काम किया गया है, कितना वर्क किया गया है, उसको पोटेंशियल कहा जाता है। अगर चार्ज को मैं टर्मिनल टू टर्मिनल, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक अगर चार्ज को मूव करवाऊं, दैट मींस मुझे कम वर्क लगेगा। लेकिन अगर मैं यहां की बात करूंगी, यहां से इलेक्ट्रॉन को पूरा घुमा के वापस यहां लेकर आऊं, तो मुझे ज्यादा वर्क लगेगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को टर्मिनल टू टर्मिनल अगर मूव करवाना हो, या इलेक्ट्रॉन को एक क्लोज लूप में मूव करवाना हो, दोनों अलग अलग बातें, ठीक है। हमारे सर्किट के अंदर, हमारे जो घरों में बैटरी आती है, हमारे घरों में जो सेल आता है, आपने सेल देखा होगा, ठीक है, हमारे रिमोट्स में लगते हैं, इस तरीके का सिलेंड्रिकल शेप का सेल होता है। इस सेल पे लिखा था 1.5 वोल्ट। क्या लिखा था? 1.5 वोल्ट। ये जो 1.5 वोल्ट है, ये इसका पोटेंशियल है। अब पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया? चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जितना काम किया जाए, जितनी एनर्जी खर्च हो, उसी को पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब चार्ज को अगर मैं टर्मिनल टू टर्मिनल मूव कराऊं, तो उसे बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल, और अगर चार्ज को मैं क्लोज लूप में मूव कराऊं, तो उसे बोलेंगे EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो एनर्जी है, वो पोटेंशियल है जो कि ये बैटरी मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकती है। मैक्सिमम एनर्जी एक चार्ज को कितनी मिल सकती है, जिससे कि वो कंप्लीट साइकिल में, कंप्लीट क्लोज लूप में घूम के वापस आ जाए, उसको हम कहते हैं EMF। अब इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहा गया है, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहा गया है, जबकि इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट्स में होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहा गया, जबकि इसका जो यूनिट होता है वो वोल्ट्स में होता है,
इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, जब साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे थे बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने ये देखा कि चार्जेस जो है दे फ्लो विद इम्पल्स, वो छोटा सा फोर्स लगाएंगे अगले चार्ज पे, फिर वो अगले चार्ज पे लगाएगा, फिर वो अगले चार्ज पे लगाएगा, फिर वो अगले चार्ज पे लगाएगा, एंड इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन अल्टीमेटली बैटरी क्या प्रोवाइड कर रही है, बैटरी क्या चार्ज दे रही है क्या, नहीं। बैटरी क्या फोर्स दे रही है क्या, नहीं। बैटरी क्या दे रही है, बैटरी दे रही है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। एनर्जी किसके फॉर्म में, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो यहां पर जो ये ईएमएफ है, ये ईएमएफ वह एनर्जी है, वो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को सप्लाई की जाए तो वो कंप्लीट क्लोज लूप में मूव करता है, उसको अपन ईएमएफ कहते हैं। लेकिन जो सेल पे एक्चुअली में लिखा होता है क्या उसका वो ईएमएफ होता है क्या, नहीं। ईएमएफ हमेशा सेल का ज्यादा रहेगा। ये क्या प्रोवाइडेड है, ये टर्मिनल पोटेंशियल प्रोवाइडेड है। दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल। What do you mean by terminal potential? कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ले जाने में कितना एनर्जी लगेगा उसको टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। और अच्छे से समझते हैं इसको, और अच्छे से फील लेते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन ए क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। भाई ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ वो एनर्जी है जो कि किसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट में क्लोज लूप में मूव कर जाए, उसी को हम कहेंगे ईएमएफ। नेक्स्ट आता है मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल। नेक्स्ट आता है मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल। ये टर्मिनल पोटेंशियल क्या बला है, आप खुद सोचो, पूरी चार्ज को पूरे लूप में घुमाने में जितनी एनर्जी चाहिए उसको ईएमएफ का। अगर सिर्फ यहां से यहां तक, अगर सिर्फ चार्ज को ऐसे लेके यहां तक पहुंचाना हो, सिर्फ टर्मिनल से टर्मिनल पहुंचाना हो, तो क्या मुझे उतनी एनर्जी चाहिए होगी या उससे कम चाहिए होगी। ऑब्वियसली वी नीड लेस एनर्जी इन दिस केस। भाई जब मुझे टर्मिनल टू टर्मिनल पहुंचाना है तो मुझे कम एनर्जी चाहिए, ईएमएफ के केस में क्या करना है, मुझे क्लोज लूप में रन करवाना है, दैट मींस ज्यादा एनर्जी चाहिए। दैट मींस नेक्स्ट लाइन में मैं लिख सकता हूं टर्मिनल पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज दिस टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय वोल्ट्स ऑनली, ठीक है। लेकिन ये वन एनर्जी है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बिटवीन टर्मिनल्स, एनर्जी required to move between terminals। भाई अगर टर्मिनल टू टर्मिनल अगर मुझे मूव करना हो, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाना हो, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको मैं बोलता हूँ टर्मिनल पोटेंशियल। लेकिन अगर क्लोज लूप में एक चार्ज को मूव करवाना है, पूरे पूरे लूप में चार्ज को मूव करवाना है, तो जितनी एनर्जी उसे सप्लाई करनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी उसे देनी पड़ेगी, उसे ईएमएफ कहेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली अब आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि सर ईएमएफ विल बी ऑलवेज बी लार्जर देन पोटेंशियल, ईएमएफ हमेशा और हमेशा पोटेंशियल से बड़ा ही होगा। सो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, दैट द ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल, ठीक है। आज तक जो कुछ भी हम पढ़ते आ रहे थे वो ये पोटेंशियल वी पढ़ते आ रहे थे, हम लोग ये वी के बारे में स्टडी कर, ठीक है। V is equal to IR, हमने EMF के बारे में कभी बात की, हमने जो भी बात की टर्मिनल टू टर्मिनल बात की, आज हम EMF के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हम बैटरी के इफेक्ट को भी स्टडी कर रहे हैं, हम यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देख रहे हैं, साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट अंदर भी देख रहे हैं। दैट मीन्स वी आर कंबाइनिंग दीज टू इफेक्ट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, EMF कहते हैं। EMF के कॉन्सेप्ट में आपको यह याद रखना है, वी आर ऑल्सो कंसिडरिंग दी बैटरी, ठीक है। एंड पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट में यू हैव टू रिमेंबर कि आप सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल चार्ज को मूव करवा रहे हैं, दैट यू आर मूविंग द चार्जेस बिटवीन टर्मिनल ओनली। फटाफट बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, फटाफट बताइए, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। यस फास्ट एवरीवन,
चलिए तो रिमेंबर टू थिंग्स, दोस टू थिंग्स आर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इन अ कंप्लीट लूप इज ईएमएफ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल इज टर्मिनल पोटेंशियल। ऑलवेज रिमेंबर दैट जो बैटरीज पे आप लिखा देखते हो 9 वोल्ट 1.5 वोल्ट ये सब जो बैटरीज आपको मिलती है मार्केट में, इन बैटरीज का जो भी वैल्यू इनके ऊपर लिखा होता है दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल। हम वहां बैटरी के इफेक्ट को काउंट नहीं कर रहे, हटा चुके हैं उसके इफेक्ट। अगर बैटरी के इफेक्ट को काउंट करते तो ऑब्वियसली ईएमएफ लिखना पड़ता, ठीक है। अब ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए मान लेते हैं यहां पर आई करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट के अंदर, इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है तो करंट ऑपोजिट जाएगा, ठीक है। तो आई करंट इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज, एंड दिस इज आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल स्मॉल आर होता है, कल अपन ने बात की थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली द टर्मिनल पोटेंशियल इज लेस देन द ईएमएफ, या फिर अपन कह सकते हैं कि नॉर्मल ईएमएफ जो है उसमें से अगर बैटरी ने जितना पोटेंशियल ड्रॉप ले लिया, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी पे भी होगा क्योंकि हम जानते हैं, देखिए ये आर रेजिस्टेंस और ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस दे आर बोथ इन सीरीज। नाउ यू कैन सी दैट द इंटरनल रेजिस्टेंस and the external resistance are in series, and whatever potential is provided by the battery usme se kuch to mil jayega isko aur kuch mil jayega usko, because series mein potential divide ho jata hai. To maan lo agar battery ka emf hai 10 volt aur usme se 2 volt battery khud hi apne internal resistance ko supply kar deti hai, to bacha hua 8 volt kisko milega, terminals ko milega। That means, अब मैंने टर्मिनल्स के बीच में कुछ भी लगाऊंगा तो वो 8 वोल्ट्स का पोटेंशियल ही मिल पाएगा। इसीलिए हम इस बैटरी पे जो लिखते हैं 1.5 वोल्ट्स, ये क्या रहता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका ईएमएफ 1.5 से ज्यादा ही होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन बचा हुआ जो पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल इसका ईएमएफ हो सकता है 2, इसका टर्मिनल पोटेंशियल है 1.5, तो बचा हुआ जो 0.5 है ये किसने ले लिया, ये बैटरी के रेजिस्टेंस पे ड्रॉप हो गया, ये पोटेंशियल बैटरी के रेजिस्टेंस पे चला गया, इंटरनल रेजिस्टेंस पे चला गया। तो आपको याद रखना है दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी जो है उस पे खुद पे अपना एक पोटेंशियल रह जाता है, उसके इफेक्ट को हम ई में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर। अब अगर बैटरी के ऊपर पोटेंशियल देखना हो तो आई तो करंट इसमें फ्लो कर रहा था करंट, और स्मॉल आर मैंने इसमें से मल्टीप्लाई कर दिया, सो आई इनटू स्मॉल आर इज द पोटेंशियल ड्रॉप ऑन द बैटरी, ये बैटरी पे पोटेंशियल ड्रॉप है। इसको अपन ईएमएफ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो बचेगा वो अब एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगा, जो बचेगा वो अब एक्सटर्नल सर्किट को मिलेगा। तो यहां से इक्वेशन बना सकते हैं, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, वी इज इक्वल टू ई माइनस IR, and this is known as the equation of discharging of a battery. इसको क्या कहते हैं, equation of discharging of a battery. Battery जब current flow करवाएगी तो खुद discharge होगी, ठीक है। अब जब वो discharge होगी तो कैसा वहां relation देखने को मिलेगा, तो ऐसा देखने को मिलेगा, जो ये टर्मिनल्स पे पोटेंशियल आपको यहाँ पर 1.5 दिखता है, 9 वोल्ट की बैटरी आती है, 50 वोल्ट की बैटरी आती है, तो वो जो 50 वोल्ट है, 9 वोल्ट है, 1.5 वोल्ट है, व्हाट इज दिस, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल। ऑब्वियसली ईएमएफ उससे ज्यादा ही होगा। क्यों हम ईएमएफ को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि ईएमएफ का कुछ पार्ट बैटरी खुद अपने पास रख लेती है खुद के रेजिस्टेंस की वजह से, और इस संसार में ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो, इस संसार में ऐसी कोई बैटरी नहीं है जिसका खुद का रेजिस्टेंस जीरो हो, हमेशा हर बैटरी का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ रहेगा, जिसकी वजह से हमें ये चीज देखने को मिल रही है, ठीक है। सिंपल सा तरीका याद रखना है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, ये इक्वेशन है डिस्चार्जिंग, सिंपल इक्वेशन, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट है तो हैंड रेस कर दो, इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज योर हैंड्स। इफ देयर इज एनी डाउट देन रेज हैंड्स। सो आई थिंक सबको ये चीज क्लियर हो रही होगी कि यार हमेशा जो टर्मिनल पोटेंशियल है
वो ईएमएफ से छोटा ही होगा, हमेशा जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ईएमएफ से छोटा ही होगा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब बिल्कुल सही बात है, होता है, हमेशा छोटा होता है, लेकिन एक केस में नहीं होता, उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले यहां देखो, ये इक्वेशन से मैं एक और डेरिवेशन करके दिखाता हूँ, या एक इक्वेशन लिख के बताता हूँ, और वही एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जाता है, ठीक है। 2013 या 14 के अंदर सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो आपको लिखना था ईएमएफ इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव इन अ कंप्लीट लूप, ठीक है, क्लोज लूप। एक क्लोज लूप में, कंप्लीट लूप में मूव करने में जो एनर्जी चाहिए वो ईएमएफ, ठीक है। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव बिटवीन टर्मिनल्स, ये टर्मिनल टू टर्मिनल अगर मुझे मूव करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसे अपन टर्मिनल पोटेंशियल कहेंगे। तो ये बोर्ड में डायरेक्टली पूछ लिया गया था। यहां पर एक चीज और, एक और पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं, उसकी भी बात करिए। देखिए, हम यहां लिख सकते हैं दैट अगर सर्किट में करंट जीरो हो जाए, इफ करंट इज इक्वल टू जीरो इन अ सर्किट, अगर सर्किट में करंट जीरो हो जाए और इस सर्किट में अगर मैं इसकी इक्वेशन की वैल्यू की जगह आई की वैल्यू को जीरो पुट कर दूं, तो देखो क्या बन रहा है, वी इज इक्वल टू ई बन रहा है। That means if the current in the circuit is zero, अगर सर्किट के अंदर करंट जीरो है, ठीक है, अगर सर्किट के अंदर करंट जीरो है, तो उस समय पे जो टर्मिनल पोटेंशियल है और जो ईएमएफ है वो बराबर रहते हैं। उस समय पे जो टर्मिनल पोटेंशियल है और जो ईएमएफ है वो बराबर रहते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा याद रखिए कि जब भी हम बात करें एक सर्किट की और उस सर्किट में अगर करंट की वैल्यू को जीरो कर दिया जाए, सो इफ द करंट इज जीरो देन द टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ, देन द टर्मिनल पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल टू द ईएमएफ, एंड दिस इज द बेसिस ऑफ ए डिवाइस जिस पे हमारा एक्सपेरिमेंट है लैब के अंदर, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियोमीटर। इस पे हम पोटेंशियोमीटर की स्टडी करते हैं। तो ये पूरी स्टडी हम आगे जाके किस पे करेंगे? पोटेंशियोमीटर पे, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हम लैब में देखते हैं, तो उसको घबराने की बात नहीं है, वहां देख लिया जाएगा। इस पॉइंट पे हमें स्टार लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है पॉइंट में कि भाई जब भी आप बात करो एक सर्किट की, उसके अंदर करंट को कर दो जीरो, तो जब सर्किट में करंट जीरो हो जाए, मेजर्ड पोटेंशियल, जो भी पोटेंशियल आएगा वो ईएमएफ के बराबर होगा। जो भी पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ द सर्किट, एंड दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वो डिवाइस है जो कि ईएमएफ को मेजर करता है। पोटेंशियल को मेजर करने वाले डिवाइस को वोल्ट मीटर कहते हैं, लेकिन ईएमएफ को मेजर करने वाले डिवाइस को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। और ये पोटेंशियोमीटर हम लैब में देखेंगे, आपने ये देख भी रखा है, पोटेंशियोमीटर में ऐसी खूब सारी वायर्स लगी हुई थी लैब के अंदर, ध्यान करो, इस पे एक स्केल लगा हुआ था और उस पे खूब सारी ऐसी 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 जिगजैग वायर्स लगी हुई थी, उसी को पोटेंशियोमीटर कहते हैं। इसका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, 12th क्लास के अंदर है इसका एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर के अंदर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी हम पढ़ते हैं और वो एग्जामिनेशन पे भी आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये एज ऑफ 12th क्लास। फटाफट बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं सबको, फास्ट टेल मी। ठीक है, दो चीजें याद रखिए, ईएमएफ पूरे साइकिल में, टर्मिनल पोटेंशियल, टर्मिनल टू टर्मिनल, ठीक है, ईएमएफ हमेशा ज्यादा होगा पोटेंशियल से, लेकिन सर्किट में अगर करंट जीरो हो जाए तो ईएमएफ पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए मैं देखो क्या लिखूं, एक स्पेशल पॉइंट है और ये स्पेशल केस है बेटा, ये बहुत स्पेशल केस है। एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा स्पेशल केस पर आता है, क्योंकि नॉर्मल केस तो सभी बच्चों को याद होता है, स्पेशल केस बहुत कम को याद होता है। स्पेशल केस हमारे पास क्या है कि बैटरी की जब चार्जिंग करी जाती है, बैटरी की जब चार्जिंग करी जाती है, तो चार्जिंग बैटरी कैसे होगी? ध्यान से देखो, ये बैटरी, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक
है, इसके आगे यहाँ कोई सर्किट लगा हुआ है, ऊपर पूरा सर्किट है इसका। अब इस बैटरी खत्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई पूरी बैटरी, इसको मुझे वापस से चार्ज करना है। तो पिछली ही क्लास में हमने देखा है कि चार्जिंग करी जाती है इक्वेशन को पीछे की तरफ उल्टा चला के। इक्वेशन उल्टी कैसे चलाएंगे, करंट को उल्टा दौड़ा दो बैटरी से, बैटरी करंट को पॉजिटिव टू नेगेटिव भेजती है, आप इसमें उल्टा करंट दौड़ा दो। उल्टा अगर आपने करंट दौड़ा दिया तो क्या होगा, तो ये बैटरी के अंदर रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, आपका चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप गौर फरमाइए, आपके पास जो फोन्स हैं उस फोन पे लिखा होता है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, इतना ही लिखा होता है, इससे ज्यादा तो नहीं। 220 वोल्ट का फोन तो नहीं है ना जेब में, है तो फेंक दो उसे, ठीक है, किसी भी समय फट सकता है, कभी भी 220 वोल्ट का फोन तो होता नहीं है। ठीक है, दैट मींस व्हाट इज हैपनिंग, आपकी जो बैटरी है वो बहुत कम पोटेंशियल पे ऑपरेट कर रही है, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 5 वोल्ट इतने पे ऑपरेट कर रही है। लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हम उसे वॉल से कनेक्ट करते हैं। कभी कभार आप लैपटॉप से कनेक्ट करके देखो, चार्जिंग बहुत स्लो होती है क्योंकि लैपटॉप उतना पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन वॉल से करते हैं तो वो डिसेंट पेस पे चार्ज होता है। आजकल तो फास्ट चार्जर्स आते हैं जो कि बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, हम चार्जिंग के अंदर कर क्या रहे हैं, चार्जिंग के अंदर हमारी जो करंट की डायरेक्शन थी हम उसको उल्टा कर दे रहे हैं। अगर उल्टा कर देंगे तो रिएक्शन अब पीछे चल जाएगी, रिएक्शन पीछे चल जाएगी तो प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट मिलना शुरू हो जाएंगे और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। यही चीज हम यहां करते हैं। अगर मेरे को इस बैटरी के अंदर, इस सर्किट के अंदर करंट को उल्टा चलवाना है तो मैं इसके कंपैरिजन में एक और बैटरी लगा देता हूँ जो कि इसकी बड़ी है, इससे बड़ी। अब एक और बैटरी मैंने इसके कंपैरिजन में लगा दी पैरेलल, जो कि इससे बड़ी है, इससे लार्ज है। इससे लार्ज होने के कारण अब ये क्या करेगी, इसके इफेक्ट को काउंट्रैक्ट कर देगी और करंट को उल्टा चला देगी सर्किट के अंदर। अगर इस बैटरी से करंट को उल्टा चला दिया जाए तो ये केस बन गया चार्जिंग का, ये केस किसका बन गया, चार्जिंग का। एंड चार्जिंग के केस में एकमात्र केस ऐसा है, चार्जिंग का केस, जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये वाली बैटरी प्रोवाइड कर रही है। सो दिस इज प्रोवाइडिंग द टर्मिनल पोटेंशियल एंड ईएमएफ किसका, इसका। तो एकमात्र केस ऐसा होता है, एकमात्र केस जिसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से बड़ा होता है, और वो केस होता है चार्जिंग का। तो मैं यहां लिख सकता हूं केस ऑफ चार्जिंग, केस ऑफ चार्जिंग, एकमात्र केस ऐसा जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल क्या है, बड़ा है ईएमएफ से। चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल विल बी ग्रेटर देन ईएमएफ, इक्वेशन विल बी वी इज इक्वल टू ई प्लस आईआर। यहां पर इक्वेशन क्या थी, ई माइनस आईआर, यहां इक्वेशन क्या बन जाएगी, ई प्लस आईआर। और वी इक्वल टू ई कब होगा, जब सर्किट में करंट जीरो हो जाएगा। ये हमसे 2014 में 3 नंबर में पूछा गया। ये 3 बातें, चार्जिंग के केस में, डिस्चार्जिंग के केस में और जीरो करंट के केस में क्या क्या हो रहा होता है। तो चार्जिंग के केस के अंदर टर्मिनल पोटेंशियल ईएमएफ से बड़ा होता है, डिस्चार्जिंग के केस में ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल से बड़ा होता है, और दोनों बराबर कब होते हैं, जब करंट सर्किट में जीरो हो जाए। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है फॉर दिस बैटरी। आप बैटरी के लिए इन 3 चीजों को अगर याद रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी चीज कर लो, कहीं का भी क्वेश्चन उठा लो, याद हो जाए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बता दो, इफ देयर इज एनी डाउट, कोई भी डाउट है तुरंत बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। यस प्रियांशु, क्या डाउट है। प्रियांशु बारेट, यस यस, एनी अदर। चलो बताओ, सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चार्जिंग का केस, डिस्चार्जिंग का केस, 3 केसेस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए इसको सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बहुत बढ़िया, सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, आइए देखिए। सो ये हटाते हैं यहाँ पर अपन, अब बैटरी समझ गए अपन, अब बैटरी समझ गए। ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ होता है कंप्लीट साइकिल। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है, टर्मिनल टू टर्मिनल।
Now see, this is the external resistance, this is the emitter, this is the cell, and this is the internal resistance, capital small r, this is capital R, this is EMF of the light. Yeah, so is tarike se circuit banao. ठीक है, this is the battery, combined battery. और इसका जो इफेक्ट होता है वो V के बराबर होता है. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं. तो इन रियलिटी जो 10th क्लास में आप V लिखते थे, पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे, तो किस किस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है? वो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. EMF क्या होता है? द कंप्लीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द चार्ज इन अ कंप्लीट साइकिल, उसको EMF कहते हैं. तो ये हमारे पास सर्किट आ गया. इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इस बार अपन ने मेंशन कर दिया, ईएमएफ को भी मेंशन कर दिया. अब मान लो क्वेश्चन आपको ईएमएफ के फॉर्म में मिल जाए, अगर टर्मिनल्स के फॉर्म में मिलता है तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर, डायरेक्ट आई स्क्वायर आर फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले हमारे पास है. लेकिन अगर ईएमएफ के फॉर्म में आपका क्वेश्चन कोई आ जाए तो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से देखो. सबसे पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि होगा एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. देखो दोनों सीरीज में, सो दिस बिकम्स कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर. फिर हम निकालेंगे टोटल करंट. टोटल करंट, ठीक है, टोटल करंट विल बी I इज इक्वल टू E अपॉन आर प्लस आर. कैसे किया? हम जानते हैं ओम्स लॉ कहता है V is equal to IR, so V upon R is equal to I. लेकिन यहाँ पर पोटेंशियल को हमने EMF के फॉर्म में लिखा है, तो E और टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल प्लस इंटरनल. ठीक है, तो E upon R plus R is the total current in the circuit. नेक्स्ट आता है पावर डिसिपेटेड बाय द सर्किट. सर्किट ने कितनी पावर डिसिपेट, रिमेंबरिंग दी 10th क्लास, कौन बता सकता है पावर का फॉर्मूला? मुझे अनम्यूट करके बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर? हु कैन टेल मी? यस यस, एनीबडी, एनीवन, एनीवन. पावर का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, मैकेनिकल पावर का क्या फॉर्मूला होता है, ये कौन बता सकता है मुझे? यस, अनम्यूट करो. What is the formula for mechanical power? 11th class के बेस पे बताइए बेटा. Yes Mayank, tell me. क्या वो unmute का option है नहीं क्या? चलो अब बताओ, अनम्यूट करो, कर सकते हो अब तो. यस यस, फोर्स इनटू डिस्टेंस. ये कौन सा फॉर्मूला है? अरे सॉरी सर, फोर्स इनटू वेलोसिटी. सर P इज इक्वल टू W अपॉन चेंज इन टाइम. यस, वर्क डन अपॉन टाइम. कितना वर्क किया गया, कितने टाइम में किया गया, इसी को हम कहते हैं पावर, इलेक्ट्रिकल पावर. कैसे निकालेंगे? इसी की हेल्प से निकालेंगे. वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, 10th क्लास में पढ़ा था फॉर्मूला. यहां से हम लिख देंगे वर्क डन इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, उठाइए ऊपर पुट करिए, ये बना वी इंटू क्यू बाय टी. ठीक है, क्यू बाय टी इज करंट, सो ये बन गया वी इंटू आई. क्या बना? पोटेंशियल इनटू करंट इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल पावर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट? इलेक्ट्रिकल पावर. चलिए, इलेक्ट्रिकल पावर मेरे पास हो गई P इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम, या P इज इक्वल टू वी आई. अब यहां से V कितना? EMF के बराबर. I ये लो निकाल दिया, So, मेरे पास पावर जो निकलेगी उसमें मैं पोटेंशियल को तो ईएमएफ के बराबर लिख दूंगा, एंड मल्टीप्लाई बाय करंट क्या लिखूंगा? ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर. सो हमारे पास जो पावर बन जाएगी, दैट पावर कम्स आउट टू बी ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल
पावर। ये क्या फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला है, याद रखना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल इलेक्ट्रिकल पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस विश्वेंद्र सर, इसको सर P is equals to IE भी तो लिख सकते हैं देन। बिल्कुल लिख सकते हैं IE, बिल्कुल लिख सकते हैं, करंट इनटू पोटेंशियल, वही चीज है। पोटेंशियल को हमने ईएमएफ से डिनोट कर दिया और आई को हमने यहाँ वाला फॉर्मूला जो था उठा के रख दिया, वही जो तुम बता रहे हो वही चीज किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो दिस इज अनदर फॉर्मूला। पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला इस तरीके से निकाला जाता। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले हम तैयार कर रहे हैं ताकि हम लोग इसको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। तो लेट अस डू वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन इट, प्रीवियस ईयर बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन वी कैन डू वेरी इजीली दैट क्वेश्चन। देखिए 12 ओम रेजिस्टेंस is connected to E volts battery, EEMF battery of internal resistance R, ठीक है, full stop, R नहीं, of internal resistance 1 ohm, full stop. If current in the circuit is 2 ampere, then find EMF. बोल रहा है 12 ओम का रेजिस्टेंस था, कनेक्ट किससे किया, EMF की बैटरी से, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, करंट सर्किट में 2 एम्पियर आ जाता। तो देखो ये मेरे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये मेरे पास बैटरी, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये दे रखा है ई है, ये दे रखा है 12 ओम है, ये दे रखा है 1 ओम है, और यहाँ पर करंट है 2 एम्पीयर। डायरेक्ट अगर मैंने ये ईएमएफ बीएमएफ वाला कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा होता ना, तो भी मैं 10th क्लास बेस पे सॉल्व कर सकता हूँ, मैं बिना फॉर्मूला अप्लाई सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? देखो ये 1 और 12 सीरीज में, डायरेक्ट लिख देंगे 13 ओम आर इक्विवेलेंट। नाउ पोटेंशियल कितना दिख रहा है, E, तो E वेरिएबल है, ये लो, और करंट कितना है, तो 2 एम्पियर, पुट करेंगे V is equal to IR, so E is equal to 13 into 2, आंसर क्या आ जाएगा 26 वोल्ट, दैट मींस EMF इस केस में 26 वोल्ट आ गए। फॉर्मूला जो क्रिएट किया उससे भी निकाला जा सकता है, I is equal to E upon capital R plus small r, यही फॉर्मूला अपन ने क्रिएट किया। यहां पर पुट करेंगे E की वैल्यू आ जाएगी I into capital R plus small r, so यहां से भी 26 वोल्ट ही आंसर आता है, ऐसे भी 26 आता है। मैं तो कहता हूं EMF का बस कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्वेश्चन तो 10th क्लास जैसे आते हैं, EMF का तो बस कॉन्सेप्ट समझ जाना है, क्वेश्चन 10th क्लास जैसे ही मिलेंगे। बताओ क्लियर है कि नहीं? आज तय करेंगे। बहुत बढ़िया एवरीवन, यस। बाकी सो रहे हैं क्या सुबह सुबह? इतनी नींद सुबह सुबह सोना तो सही नहीं है।